प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज का अध्याय 1 प्रेमचंद की दो बैलों की कथा, कहानी के अभ्यास प्रश्न। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने इसके 3 प्रश्नों को किया था। आज हम प्रश्न 4, 5 और 6 3 के उत्तर करेंगे। प्रश्न 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नई अर्थ की ओर संकेत किया है। गधा अपनी सहनशीलता, सीधेपन और संतोषी स्वभाव के कारण प्रसिद्ध है। संसार में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है, अतः गधा शब्द रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रचलित हो गया है। प्रेमचंद जी ने गधे की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसे एक विशेष पहचान दी है। उन्होंने इन विशेषताओं को सद्गुण मानते हुए गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। प्रेमचंद के अनुसार गधे को मूर्ख कहना इन श्रेष्ठ गुणों का अपमान करना है। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? निम्न घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। नंबर 1, गाड़ी में जोते जाने पर वे एक दूसरे को गाड़ी के भार से बचाने की कोशिश करते थे। नंबर 2, गया द्वारा हीरा की निर्दयता से पिटाई किए जाने पर मोती का क्रोध भड़क उठा और वह हल, जुआ आदि लेकर भाग निकला और उनको तोड़ ताड़ कर बराबर कर दिया। नंबर 3, सांड से सामना होने पर दोनों मित्रों ने सहयोगी रणनीति द्वारा उसे परास्त कर दिया। नंबर 4, खेत में मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भागा नहीं, मित्र को संकट में देखकर वह भी उसके पास लौट आया। नंबर 5, कांजी हाउस में हीरा को बांध दिए जाने पर मोती ने भी उसके साथ बंध जाना स्वीकार किया। प्रश्न 6,
लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन में ज्ञात होता है कि प्रेमचंद स्त्रियों के प्रति आदर भाव रखने और उन पर बल प्रयोग न किए जाने के समर्थक थे। इस तरह से आज हमने इस अध्याय के ये तीन प्रश्नों के उत्तर किए। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसी अध्याय से जुड़े अन्य प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।